In this video, we will discuss the parasites as the difficulties in the application of biological species concept. So parasites जो हैं इनकी populations जो हैं different hosts पे जो पाई जाती हैं, these are slightly different. ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है इनका, इसको हम तीन तरीके से पॉसिबली इंटरप्रेट कर सकते हैं इन मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस को. तो सबसे पहली चीज़ है, द डिफरेंसेस आर कॉज्ड बाय नॉन जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफरेंट फिजोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स ऑफ डिफरेंट होस्ट. ठीक है, कि डिफरेंट होस्ट्स के ऊपर जो ये इनकी डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं, ये क्यों हैं, ये नॉन जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हैं और ये सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट है उसकी वजह से जो है इनमें पाई जाती हैं. तो फॉर एग्जांपल ट्रेमाटोड्स को अगर हम देखें तो मैनी ट्रेमाटोड्स मे मेच्योर इन मैनी पॉसिबल होस्ट्स एंड शो ग्रेट डिफरेंसेस. ठीक है, फॉर एग्जांपल जो लिवर फ्लूक है, फेस्यूला हेपेटिका है, इसको अगर आप काउ से लें, रैबिट से लें या पिग से लें, ठीक है, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू देयर होस्ट स्पीशीज़ और उसकी जो डिफरेंट फिजोलॉजिकल इन्वायरमेंट है उसकी वजह से. और जो हम नॉमिनल स्पीशीज़ जैसे कि ट्रेमाटोड्स हैं, उसकी एक जीनस है हाइमेनोलेपिस. ठीक है, इसके अंदर जो हम ट्रेमाटोड्स को स्टडी कर रहे हैं तो इनमें जो डिफरेंसेस हैं, मे बी ये होस्ट इंड्यूस्ड डिफरेंसेस हों और ये नॉन जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हों, लेकिन हमने इनको एज डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो कंसिडर किया है. नेक्स्ट है, डिफरेंसेस आर इंडिकेटिव ऑफ सब स्पेसिफिक रैंक. ठीक है, तो जो होस्ट पॉपुलेशंस हैं मेलोफेजा, ये क्या है, लाइस की जो है, इसमें हमारे पास लाइस की एग्जांपल आती है. ठीक है, तो इनमें क्या है, डिफरेंसेस बेसिकली कांस्टेंट हैं और ऑफन सो स्लाइट दैट दे आर बेस्ट ट्रीटेड एज सब स्पीशीज. ठीक है, तो इनमें क्या है कि जो डिफरेंट होस्ट पे पाई जाती हैं मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंसेस जो हैं वो बहुत कम हैं, तो इनको हम सब स्पीशीज़ का स्टेटस दे देते हैं. सो होस्ट सेपरेशन इन दिस केस कॉरस्पॉन्ड टू जियोग्राफिक आइसोलेशन. जैसे कि हम लिविंग स्पेस में या टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में स्पीशीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि जियोग्राफिक आइसोलेशन हो गई है. तो जब हम होस्ट पैरासाइट को स्टडी कर रहे होते हैं तो डिफरेंट जो होस्ट्स के ऊपर पैरासाइट्स प्रेजेंट हैं, हम उनको कहते हैं कि ये एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं, बिकॉज जो डिफरेंट होस्ट पे पाई जाती हैं उनके दरमियान क्या है, जीन फ्लो नहीं हो रहा या बहुत स्लाइट है. सो डिफरेंट होस्ट पे जो प्रेजेंट हैं, डिफरेंट होस्ट स्पीशीज पे, इट इज़ द जीन फ्लो इज़ प्रेजुमेबली वेरी स्लाइट. ठीक है, बहुत कम जीन फ्लो होता है उनमें. द डिफरेंसेज आर इंडिकेटिव ऑफ रैंक एज फुल स्पीशीज़. ठीक है, कुछ ऐसे केसेस भी हैं, अगर हम पैरासाइटोलॉजिकल लिटरेचर को देखें तो एक्सीडिंगली सिमिलर पैरासाइट्स कुड नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर. ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देख रहे हैं तो वो जो पैरासाइट्स हैं उनको हम एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, बिकॉज वो इस हद तक स्पेशलाइज हो गए हैं उस पर्टिकुलर होस्ट के लिए कि उनके लिए पॉसिबल नहीं है दूसरे होस्ट के ऊपर सर्वाइव करना. ठीक है, बिकॉज देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी फॉर जीन इंटरचेंज इन द केस ऑफ स्पीशीज़ विदाउट इंटरमीडिएट होस्ट. ठीक है, अगर इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है तो डेफिनेटली जो है जीन जेनेटिक फ्लो उनमें नहीं हो रहा होगा. तो इस केस में जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है इज़ कंपैरेटिवली माइनर, लेकिन जो जेनेटिक बैरियर है वो इस हद तक हो चुका है कि हम इसको सेपरेट स्पीशीज़ के तौर पर डील कर सकते हैं.